सो है गाइस, वेलकम बैक टू द माय अनदर न्यू वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले कि आप किस तरह से रियलमी के C31 डिवाइस के अंदर किसी भी थीम्स को चेंज कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, थीम्स को चेंज करने के लिए थीम स्टोर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बट गाइस, अगर आप रियलमी का C31 डिवाइस यूज करते होंगे तो दोस्तों आप सभी को पता होगा इस डिवाइस पे आपको थीम स्टोर देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से रियलमी के C31 डिवाइस के अंदर किसी भी थीम्स को चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों बने रहो वीडियो में एंड तक। बट आगे बढ़ने से पहले गाइस, अपना भाई का नाम जान लो। मेरा नाम है अर्जुन और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल अर्जुन राजवंशी। चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल पे आएगा बेल का आइकन उसको भी ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके गाइस, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है। सिंपली गाइस, यार आप लोगों ने अपना फोन का प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करना है एंड देन इधर सर्च करना है टैब बार पर, और इधर गाइस आपको सर्च करना है XOS लॉन्चर। सो गाइस सिंपली आप लोगों ने क्या करनी है, अपने फ़ोन पे गाइस ये जो लॉन्चर वाली एप्लीकेशन है आपने यार अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कर लेना। सो गाइस मैंने इसको पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो गाइस इसलिए मैं एप्लीकेशन नू ओपन कर लेता हूँ। और एप्लीकेशन जो ये गाइस ओपन हो चुका है। उसके बाद गाइस आप लोगों ने क्या करनी है, सिंपली गाइस इधर स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करनी है एंड उसके बाद गाइस यार आपको इधर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करनी है एंड देन एक्सेप्ट पर क्लिक करनी है। एंड गाइस जो भी परमिशन मांगा जाएगा इस एप्लीकेशन को सेटअप करने में, तो गाइस यार आप लोगों ने परमिशन को अलाउ कर देना है। सो गाइस जैसे कि देख पा रहे मैंने यहाँ पर परमिशन को अलाउ कर दिया है। एंड भाई देखो यहाँ पर आपका जो गाइस एप्लीकेशन का जो गाइस लाइक एप्स आइकन वगैरह सभी यहाँ पर चेंज हो चुका है, जैसे कि गाइस आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो सिंपली गाइस आप लोगों ने क्या करनी है गाइस, यार देखो इधर आपको एक एक्स थीम करके एक गाइस थीम स्टोर देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली गाइस आप लोगों ने क्या करनी है, इधर गाइस एक्स थीम पर क्लिक करना है। जैसे आप इधर एक्स थीम पर क्लिक करो गाइस, ये जो आपका थीम स्टोर है ये ओपन हो जाएगा। एंड उसके बाद गाइस आप लोगों ने क्या करनी है, इधर गाइस काफ़ी सारे थीम्स अवेलेबल है जिनको कि गाइस आप अपने रियलमी के C31 डिवाइस के अंदर यूज कर सकते हो बिल्कुल फ्री। तो गाइस मैं यहाँ पर यूज़ भी करके दिखाऊंगा। तो गाइस चलिए मैं इस वाले थीम को सिलेक्ट करता हूँ एंड उधर गाइस मैं डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओके कर देता हूँ। एंड गाइस यहाँ पर ये जो थीम है गाइस डाउनलोड हो चुका है। सिंपली मैं अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करूंगा एंड ये जो थीम है गाइस मेरे फोन पे अप्लाई हो जाएगा। एंड उसके बाद गाइस इधर ओके पर क्लिक करना है एंड उसके बाद गाइस आप सभी के सामने कुछ इस तरह का यहाँ पर एक इंटरफेस दिखाई देगा। तो गाइस डॉट आस्क आइकन पर क्लिक करना है और इधर गाइस XOS लॉन्चर पर क्लिक कर देना है। और गाइस ये जो आपका थीम है गाइस डिफॉल्ट सेट हो चुका है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हो। गाइस अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल पे आएगा बेल का आइकन उसको भी ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर एंड